हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो अभी तक ने हम लोगों ने डिटरमिनेंट के कुल लेक्चर 18 तक कवर कर लिए, ठीक है। कुल टोटल अभी तक डिटरमिनेंट का हम लोगों ने 18 लेक्चर कंप्लीट कर रखा है अपने चैनल पे, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 19 होगा, ठीक है। 19 लेक्चर होगा डिटरमिनेंट के ऊपर, और हमने आपको 18th लेक्चर में क्या बताया था, नोट्स बताए थे और कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। हम आपको ये भी वहाँ पे एक ऑप्शन दिए थे कि आप ट्राई करके, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप में अगर सेंड करेंगे उसका सॉल्यूशन गलत या सही डोंट मैटर, ठीक है। गलत या सही ये मायने नहीं रखता, आप ट्राई कर रहे हैं या नहीं ये बहुत बड़ा मायने रखता, क्योंकि आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो गलत सही होने का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है ना, कि अगर आप किसी चीज को ट्राई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अरे एग्जांपल लीजिए, आप एक एग्जांपल लीजिए, क्या एग्जांपल लीजिए आप, कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से आपके पैर में एक बॉल आके, मतलब फुटबॉल आके अचानक से पैर में आपको तेज लग जाता है, ठीक, और आपको लगता है कि हाँ पैर में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, ठीक है, पैर में क्या हो गया, चोट लग गया, और आप बैठे रह रहे हैं, ठीक है। आप उठ की कोशिश नहीं कर रहे हैं चलने का, ठीक है। आप ट्राई नहीं कर रहे हैं कि मेरा पैर में कहाँ पे चोट लगा हुआ, फ्रैक्चर हुआ या फिर थोड़ा सा चोट है, ठीक है। आप ट्राई नहीं कर रहे हैं उठ के चलने के लिए, तो क्या आपको कोई थर्ड पर्सन आकर ऐसा नहीं कहेगा आप लो चलो हम टांग के आपको चलाते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको खुद से उठ के चलना होगा, ठीक है। हाँ कोई थर्ड पर्सन एज ए गार्जियन आपको आकर बोल सकते हैं, ठीक है, एज ए गार्जियन आपको आके बोल सकते हैं या आपको हाथ धर के चला सकते हैं, चलो, ठीक है। वही हम टीचर्स लोग तो वही काम कर रहे हैं आपके लिए ना, हम टीचर्स आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, हम आपके लिए क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपके लिए हिंट्स बता रहे हैं, आपको सॉल्यूशन करने का पूरा तरीका बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं ना आप लोग, तो हम लोग आपका एज ए पेरेंट्स के तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको एज ए पेरेंट्स के तरह वर्क कर, हम टीचर्स आपके पेरेंट्स के तरह ही हैं, आपका पेरेंट्स के तरह आपको गाइड कर रहे हैं। हम माता पिता ये है कि आपको लाइफ में ज़्यादातर गाइड करते हैं, एजुकेशन के फील्ड में थोड़ा सा कम गाइड करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते नहीं है, ठीक है। उनका जहाँ तक उनका ज्ञान होता है वहाँ तक वो पढ़े लिखे रहते हैं, उस बेसिस पे अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है, अपना बेस्ट गाइड करते हैं अपने, मतलब कि जो भी उसका गर्ल्स और बॉयज, मतलब उनके जो भी बेटे या बेटियाँ हो, ठीक है। तो हम लोग एज ए टीचर हम लोग भी तो आपको गाइड करते हैं ना, हम लोग आपको पढ़ने के क्षेत्र में गाइड करते हैं, ठीक है, आपके लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ों में गाइड करते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो अगर आप हमसे बोलिएगा, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, उस चीज़ से रिलेटेड हम आपको सब चीज़ बताएंगे और गाइड करेंगे, हाँ किसी चीज़ को कैसे हैंडल करना है, कोई प्रॉब्लम उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए, किसी भी, हम क्या मुद्दा उठाए थे ना, इस ये हम क्यों बता रहे थे, ये बताया था क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं तो आप लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम दो क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है, ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा रुकिए यहाँ पे इरेज कर लेने दीजिए, बहुत यहाँ पे कमी पड़ गई है, ठीक है, तो इसे हम मिटा लेने दीजिए, ठीक। हम आपको ये दो क्वेश्चन दिए, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दिए, आपको सब कंसेप्ट बताया गया है क्वेश्चन का, फिर भी आप क्वेश्चन को नहीं ट्राई कर रहे हैं, गलत साइड ये मैटर नहीं करता है, आप सीख रहे हैं अभी, आप बहुत बड़े प्रोफेसर या बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन चुके हैं कि हाँ आप सीखना बंद कर दिया, किसी चीज को ट्राई कर दिए और गलत हो गया तो लो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी एक ऐसा स्टेज है, ठीक है, स्टडी ही पढ़ाई का एक ऐसा समय है, ठीक है, जिस समय आप गलती करें, आपको इसीलिए पढ़ाई के क्षेत्र में भेजा जाता है कि आप गलती करें और गलतियों से सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। हम तो आपको एक चीज बोलेंगे कि कोई भी गलती अगर आप एक बार कर दे रहे हैं, ठीक है, एक बार कर दे रहे हैं चाहे किसी प्रकार का गलती हो, तो उस गलती को आप अपने माइंड में प्रिंट कर लीजिए कि हाँ ये गलती फिर दोबारा कभी नहीं होना चाहिए हमसे, ठीक है, उस चीज को एकदम अपना दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये गलती फिर हमसे कभी नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में कभी ये गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा तो ये प्रैक्टिस से आपको आ भी जाएगा। एक हैबिट होता है जिसे डेवलप करना होता है, ठीक है, ये एक आदत होता है जिसे डेवलप करना होता है, और अगर आप इसे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये आदत आपको पक्की लग जाएगा और ये बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। एक बार गलती हुआ उसे ध्यान में रखे, उसे कभी दोहराया नहीं, ठीक है,
वही चीज है, तो आप लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो अभी सरस्वती क्लासेस के जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स या स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप, ठीक है, उसमें केवल एक ही स्टूडेंट्स ऐसी है, ठीक है, वो गर्ल्स है, हम आपका नाम उसे बताएंगे कुछ देर में, ठीक है, जो हम लोगों का लेक्चर है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, उसका जो पार्टिसिपेशन रहता है वो एक्टिव रहता है एकदम, हम लोग जो चीज कहते हैं वो फॉलो करती है। आई होप वो गर्ल्स काफी अच्छा करेगी फ्यूचर में, ठीक है। उसका नाम है तनिषा सिंह, क्या नाम है, तनिषा सिंह, ठीक है। ये गर्ल्स इस क्वेश्चन का ये वाला आज वाले क्वेश्चन नंबर वन का और क्वेश्चन नंबर दो का ये वाला क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ थोड़ा सीरियस करके बताएंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये आपको एकदम नया नया लग रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर दो का, ये क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर दोनों का सॉल्यूशन वो ग्रुप में सेंड किए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उसका गलत हुआ क्वेश्चन नंबर दो करने में, ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है, एटलीस्ट वो ट्राई करने की कोशिश की तो की, ठीक है, ट्राई तो की। उसके बाद हम जहाँ पे उसका मिस्टेक्स हुआ था इस क्वेश्चन में, जहाँ पे उसका मिस्टेक्स हुआ था, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसको बताया पर्सनली कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक्स है, उसे करेक्ट करो तुम, ठीक है। तो अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोगों को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा, ठीक है, कि हाँ सर हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो बताइए, या फिर इस क्वेश्चन को हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हम कोशिश किए लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे बनाया जाए, या फिर कहीं बीच में फंस जा रहे हैं, अटक जा रहे हैं, तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। तो जब तक आप हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कीजिएगा, हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो ग्रुप जो है एकदम पब्लिक है, आप उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मतलब आप पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी वो ग्रुप खुला हुआ है जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, वहाँ को आपको पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को कहीं भी डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गर्ल्स है तनिषा, ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पर सही से लिख दें, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है तनिषा, ठीक है। तो एक यही एक ऐसी गर्ल्स है जो कि गर्ल है, जो कि कल के ही दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन के साथ ग्रुप में सेंड की है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड की है, ठीक है। तो हम ये बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेगा, तो केवल एक गर्ल जो है हमारे ग्रुप से वो सॉल्व करके भेजिए। तो चलिए ठीक है, आज हम इस क्वेश्चन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। आई होप इसके बाद जब आपको एज होमवर्क या होम टास्क कुछ क्वेश्चंस देंगे या कुछ टास्क देंगे तो आप उसे करके लाएंगे, ठीक है, इससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ स्टूडेंट सब जो है हम लोगों का मेहनत अच्छे से ये कर रहा है, ठीक है, अच्छे से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं कम से कम उतना अच्छे से उसका बेनिफिट स्टूडेंट सब ले पा रहा है, ठीक है। और अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका जो बेनिफिट मिलेगा आपको रिजल्ट टाइम पर मिलेगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं इसमें लॉस करते हैं, सब चीजें समझाने में बहुत बार समझा चुके हैं इस पे अभी, ठीक है, तो ऐसे सीरियस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आई होप ये सब इरेज हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक, क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या बताया था, ये इसमें चेक करना था कि ये जो तीन पॉइंट्स है ये तीन शीट्स था एक ट्रायंगल का, हम आपको बताया भी थे ये ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस है, ठीक है, ये कोलिनियर है कि नहीं, ठीक है, ये चेक करना था। तो कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करने का तरीका बताया है, तो कोलिनियर चेक करने का क्या तरीका बताया, तो उसका एरिया निकालिए, अगर उसका एरिया जीरो हो जाए तो क्या हो जाता है, कोलिनियर हो जाता है, आपको पता है। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के लिए 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 का सबका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसका वैल्यू रखिए और ये देखिए डेल्टा का जो वैल्यू वो जीरो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर जीरो आ जाएगा तो ये क्या कर देंगे, कोलिनियर है, अगर जीरो नहीं आएगा तो क्या कर देंगे, नॉन कोलिनियर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब संरेख है या असंरेख है, संरेख का उल्टा असंरेख होता है, ठीक है,
सनरेक या सनरेक नहीं है भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके ही बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे यहीं पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करने के बाद, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे 1/2, ठीक है, एक्स वन का वैल्यू 1, वाई वन का 2 और 1, ठीक है, और एक्स टू का है 4 और वाई टू का 8 और 1, ठीक है, ये 1 तो फार्मूला में ही रहता है, और एक्स थ्री का 3 और 7 और 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप तो या किसी रो या कॉलम के अलोंग डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें, या फिर आप पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, ठीक है, मतलब चेंजेस करें इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, जो परिवर्तित होता है मतलब इसके रो और कॉलम में जो परिवर्तन होता है जिससे कि जीरो जा जाए वो लगाए पहले, जो कि आपको मैट्रिक्स में बताया गया था, क्योंकि आपको मैट्रिक्स में बताया गया था, ठीक है। और ये आप चेंजेस जहाँ पे लगाइए उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इस चेंजेस को यहाँ पे लगा के ही सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं उस चेंजेस को, क्या करेंगे यहाँ पे कर रहे हैं हम R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है, R1 ये है, ठीक है, R1 माइनस R2 करना है, तो क्या 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 8 माइनस 6 और 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये जीरो लाने के लिए ये सब ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, ठीक है। आप सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब पहले आप इसे ट्राई करिए, मतलब इसे परफॉर्म कीजिए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को, उसके बाद इसको परफॉर्म कीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि सिंगल सिंगल में ही करें आप अपने से, और उसके बाद ठीक है क्या R2 है, R2 क्या 4 माइनस 3 होगा, क्योंकि R2 माइनस R3 है, तो 4 माइनस 3 1 आएगा, और 8 माइनस 7 तो 1 आएगा, और 1 माइनस 1 0 आएगा, और ये तो एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, R3 पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1/2 तो ऐसा ही रहेगा, ये इस जो है कौन सा कॉलम के अलोंग है, C3 कॉलम के अलोंग है, इसके अलोंग क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, तो क्या जाएगा -3 × 1 क्या हो जाएगा -3, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 × -6 तो क्या हो जाएगा -6, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 और ये क्या हो जाएगा -3 और +6 हो जाएगा, आपको पता है -×- हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -3 × 3/2 2। ये क्या है आपका एरिया आया, मतलब ये डेल्टा का वैल्यू आया, डेल्टा का वैल्यू ही निकाल रहे थे ना, वही निकालने के बाद तो हम बता देंगे कोलिनियर है कि नहीं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यही चीज तो हम बता रहे थे कि डेल्टा के वैल्यू के हिसाब से तो आपको बताना है, ये जो है डेल्टा के वैल्यू तो बता रहे थे ना, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए क्या आया, डेल्टा का वैल्यू 3/2 आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा का वैल्यू कितना आया, 3/2 आया, ये 3/2 स्क्वायर यूनिट है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए डेल्टा का वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब डेल्टा जीरो नहीं है, कितना डेल्टा 3/2 स्क्वायर यूनिट है, तो डेल्टा जीरो नहीं है, मतलब ये जो वर्टिसेस दिए हैं वो क्या है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, मतलब असंरेख है या संरेख नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वर्टिसेस का, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक पार्टिकुलर कोई ना कोई ट्रायंगल बन रहा है वो कोलिनियर नहीं, बस यही सॉल्व करना था आपको, सिंपली एक पेज के अंदर ही हो जाता, ठीक है, और वो तनी सानी से सॉल्व करके सॉल्यूशन भी भेजा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सिंसियर गर्ल्स है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताया था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू निकालना था, ये फाइंड है, ठीक है, के का वैल्यू निकालना था, और वो के का वैल्यू कैसे निकालना था, आपको कंडीशन दिया हुआ था कि 2 ट्रायंगल है, ठीक है, जिनका वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और उनका जो एरिया है वो आपस में इक्वल है, ठीक है,
तो एक वर्टिसेस में वैल्यू ना देकर के दिया था तो उसका के का मान निकला। तो ये आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बस कैसे सॉल्व करना है इसे, आपको अगर कंसेप्ट पकड़ में आ गया तो आप इसे सॉल्व कर देंगे बस 2 से 4 लाइन में। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप Δ1 निकालिए, मान लेते हैं Δ1 आता है कुछ 5, मान लेते हैं ये गेट किया मतलब माने हुए हैं, ठीक है, और Δ2 आता है मान लीजिए कि 5 के -2 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, ऐसा मैं सिर्फ आपको मानने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ही वैल्यू आएगा, ये कोई जरूर नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मानते हैं ये जो Δ2 आएगा वो के का फॉर्म में जरूर आएगा, क्योंकि उसका जो वर्टिस का एक एक वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है, वो के दिया हुआ है, ठीक है, तो के का टर्म पक्का आएगा। ठीक है, तो वो 5, ये इसका एरिया 5 आता है और इसका जो एरिया है 5 के -1, तो उसके बाद दोनों को यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से इक्वल करना है, दिया हुआ है, तो क्या है 5 = 5 के -2। ठीक है, तो वेरिएबल को एक साइड दीजिए और कांस्टेंट को एक साइड दीजिए, मतलब 5 + 10 = 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, 5 के = 15 आया आपका, के का वैल्यू कितना आ जाता, 3 आ जाता, यही बस ऐसे इसी टाइप का आंसर निकलता। ठीक, तो चलिए हम इसे एक्चुअली अब सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ये इसका एक्चुअल आंसर क्या होने वाला है। ठीक, अभी तक तो ये आपको हिंट ही दे रहे थे कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, ठीक है, लेकिन चलिए आप आपको हम एक्चुअल सॉल्व करके इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे डेटाज को लिखते हैं। ठीक है, Δ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं Δ1 का वैल्यू फॉर्मूला के हिसाब से 1/2 x1 y11 x2 y21 और x3 y31। ठीक है, तो x1 y1 क्या है 2 3 1, यही x2 y2 क्या है 4 5 1 और x3 y3 क्या है 6 7। तो चलिए हम यहीं पे क्या लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R1 changes to R1 - R2 एंड R2 changes to R2 - R2, यही क्या करते हैं चेंजेस को अप्लाई करते हैं। तो ये चेंजेस अप्लाई होने के बाद आपको पता है क्या हो जाता है, ये चेंजेस अप्लाई करने का तो मोटो होता है C3 कॉलम में 2 एलिमेंट्स को 0 करना, और ये तो अंतिम वाला सेम ही रह जाता है क्योंकि हम लोग R3 पे कोई ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो सेम होना तो तय है। ठीक है, अब चलिए अब R1 और R2 पे जो ऑपरेशन लगा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा है उसको परफॉर्म करते हैं, क्या 2 - 1 2 - 2, क्योंकि R1 - R2 है, 2 - 4 = -2 आएगा, और ये कहेगा 3 - 5 तो क्या आ जाएगा -2 आएगा, और ये कहा जाएगा 4 - 6 तो क्या जाएगा -2 आएगा, और 5 - 7 क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ से अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे डिटरमिनेंट के, ठीक है, मेरे लेक्चर्स को देखे होंगे अगर आप प्रॉपर्टीज वाले, तो उस लेक्चर्स को देखने के बाद यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार थोड़ा सा रिकैप कीजिए अपने माइंड में, कुछ सेकंड्स का आपको टाइम दे रहे हैं, एक बार रिकैप करके हमें कमेंट्स में बताइए कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके तो आप निकाल ही सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कर देंगे इसको 10 से 15 सेकंड में, ठीक है, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन मतलब बिना गणना किए आप हमें बताइए। ठीक है, डिटरमिनेंट में स्टेप्स का क्वेश्चन होता है कि मतलब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ठीक है, प्रॉपर्टी जो दिया हुआ रहता है गुण उसका इस्तेमाल करके बिना एक्सपेंशन के, ठीक है, मतलब विदाउट एक्सपेंशन यूज अ प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब बिना प्रसरण किए हुए इस डिटरमिनेंट का मान बताए, ऐसा क्वेश्चन रहता है आपको। ठीक है, आप NCERT बुक उठाकर देखिएगा, ठीक है, जो आपका रेफरेंस बुक है अगर उस बुक को उठाकर देखिएगा तो उसमें इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स तो हैं ही, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे R1 और R2 एकदम इक्वल हो गया है, 1:1 का रेशियो हो गया, मतलब एकदम इक्वल हो गया, तो आपको क्या एक प्रॉपर्टी बताते अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया तो 0 * कुछ भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो Δ1 का वैल्यू तो 0 आ गया, एकदम आसान सा वैल्यू है। ठीक है, एकदम अच्छा सा वैल्यू है, Δ0² आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप 0² आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के बता भी दे रहे हैं कि हाँ ये 0² ही आएगा,
ठीक है। अच्छा इसको पहले हम थोड़ा सा मिटा दें क्योंकि हमारे पास स्पेस बच हो जाए, तो आप देख पा रहे हैं हमने मिटा दिया, ठीक है इसे भी मिटा देते हैं। ठीक है तो जो डेल्टा वन का वैल्यू आया कितना आया, जीरो स्क्वायर जीरो, मतलब जीरो बढ़ गई का। ठीक है अब क्या हम लोगों का उद्देश्य है, हम लोगों का ये मोटो है कि हम डेल्टा टू फाइंड करें। ठीक है हम लोगों का अभी ये काम है कि डेल्टा टू फाइंड करें। ठीक है डेल्टा टू फाइन करने के लिए सेम प्रोसेस। ठीक है अब चलिए डेल्टा टू के लिए क्या क्या है, इसके शीट्स लिखते हैं 3K 5 4 और 9 2, 3K 5 4 और 9 2। आप देख रहे हैं ये है ना, आप एक बार फिर से देख लीजिए, हम वहाँ पे आपको स्क्रीन को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, देख लीजिए आप यही है 3K 5 4 और 9। अब आप भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। ठीक है वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन R1 R1 माइनस R2, आप इसे स्टेप वाइज लगा सकते हैं, हम एक ही बार दोनों को लगा देते हैं R2 R2 माइनस R3। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाए इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद यहाँ क्या होता है 0 0 1, और ये वाला जो R3 है वो एज इट इज सेम होता है क्योंकि R3 में तो कोई चेंजेस कर नहीं रहा है ना, तो हम तो सिर्फ R1 और R2 में चेंजेस करने थे, इसी में चेंजेस नहीं होंगे। अब देखिए R1 को R1 माइनस R2 किया मतलब 3 माइनस 5, तो क्या जाएगा -2, और इसमें से क्या किया K-4 होगा, तो K-, और इसमें क्या होगा 5 माइनस 9, तो -4 और 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2। ये हुआ। अब आपको इसको सिंपली क्या करना है, एक्सपेंड करना है 1/2, ठीक है इनटू ये 1 हो जाएगा। क्यों ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो 1 हो जाएगा, और क्या होगा 2:2 तो -4, -2:2 तो -4, और देन यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है और यहाँ पे एक और ब्रैकेट दे देते हैं, अच्छा थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 (K-4)। ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बोलिए यहाँ पे। ठीक है आप यहाँ पे बोलिए ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो हम आपको लिखे अभी, ठीक है ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए हम किए कुछ नहीं है, इस एलिमेंट के अलोंग हम सिंपली एक्सपेंड कर दिए। ठीक तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आया, ये 1/2 तो बाहर है, तो 1/2 यहाँ पे रहेगा (1), यहाँ पे 1:1। ठीक है और ये 2 - 2:2 तो -4, फिर बीच में माइनस का साइन। ठीक है और ये क्या हो गया -4:(K-4), तो -4:(K-4), और उसके बाद इतना ब्रैकेट से उसको क्लोज किया। यहाँ पे 3 ओपन ब्रैकेट है, मतलब कि 3 स्मॉल ब्रैकेट है, तो 3 स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे दिए हैं और 1 कर्ली ब्रैकेट है तो यहाँ पे दिए। उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, सिंपली क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद इस ब्रैकेट को रखिए, क्या हो जाएगा ये -4 और ये -, क्या हो जाएगा +4। ठीक है ये सॉरी पहले -, इसको ना करके, ठीक है आप अंदर इसके मल्टीप्लाई, ये साइन का तो -4 हो गया, -+ हो गया। ठीक ऐसे भी कर सकते हैं कि -4 यहाँ तक हो गया। अब इससे आप क्या कीजिए और सिंपलीफाई कीजिए 1/2, तो -4+4K-60 ऐसा कुछ आएगा। आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए क्या 1/2 का तो बाहर ही रखिए, ये क्या हो जाएगा 4K-20, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2K-10 हो जाएगा कि नहीं, आप देख पा रहे हैं इसे सही से। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हम अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2K-10, ये 2 से डिवाइड कर दिए सिंपली, तो 4K/2 तो 2K और -20/2 तो 10। ठीक है ये क्या आ गया आपका डेल्टा 2 का वैल्यू, ये भी स्क्वायर यूनिट में होगा, क्योंकि यहाँ पर लिख देते इतना स्क्वायर यूनिट, आप बर्ग इकाय लिख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है। तो अब इसके बाद क्या करना, आपका डेल्टा 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है 0 स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 स्क्वायर यूनिट ना, और डेल्टा 2 का वैल्यू आ चुका है, डेल्टा 2 का वैल्यू क्या आ चुका है 2K-10। अब इसे इक्वल कर देना है, मतलब डेल्टा 1 = डेल्टा, तो डेल्टा 1 का वैल्यू 0 और डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है 2K-10। ठीक है और यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर यूनिट है, तो स्क्वायर यूनिट कैंसिल हो गया। ठीक है तो आप देखिए ये 2K-10 = 0, यहाँ क्या कर सकते हैं 2K = 10,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10 बाई 2, सो k इज इक्वल टू 5, यहाँ 5 एक बार लिख दिए तो k इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि y एक्सिस का कोई यूनिट नहीं दिया हुआ यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर, तो इसका कुछ यूनिट हम लोग नहीं लेंगे। सिंपली इतना बड़ा ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, आप सिंपली इसे छोटा ब्रैकेट ही बना सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पर बस। ये आपको क्या हो जाएगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया था, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। ये डेल्टा वन निकाला मैंने पहले, ठीक है, हम आपको प्रोसेस एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले डेल्टा वन निकाला, फिर डेल्टा टू निकाला, है ना। डेल्टा वन और डेल्टा टू निकालने के बाद यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था, ठीक है, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू कंडीशन दिया हुआ था। इस कंडीशन को यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू यहाँ पे अप्लाई किए हैं, ठीक है। वहाँ से आपका के का वैल्यू यहाँ पे आ गया फाइव, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये के का वैल्यू फाइव आ गया। तो यही क्या हो गया आपका, के का वैल्यू जो ये फाइव आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे आई होप, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं, ये आपका के इज इक्वल टू फाइव, ये आंसर हो, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कराते हैं, ठीक है, इस लेक्चर में क्वेश्चन और कराते हैं थोड़ा सा इसी टाइप का, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम पहले लिखते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन नंबर थ्री होगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर थ्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर टू के जैसा ही है, लेकिन एज इट इज टू के जैसा नहीं, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, ठीक है, कंसेप्ट नहीं चेंज है, थोड़ा सा हाँ टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो टाइप टू का है, वो टाइप वन है, तो ये टाइप टू है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रेंगल है जिसका एरिया डेल्टा वन है, ठीक है, उसका वर्टिसेस जो है उस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 6 1 3 और 2 5, ठीक है। एक और है डेल्टा टू, उसका वर्टिसेस दे रखा है, क्या देख रखा है, के 5 9 2 और 5 7, ठीक है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा टू, इनका रेशियो दिया है 1/4, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो के का मान गए आपके, अगर इंग्लिश में आप बोले देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपको के का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है इसे कैसे करना है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है इसे कैसे करना है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे ये चीज लाइव चैट में बताइए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को सर कैसे करना है, इसका जो अप्रोच है ये होना चाहिए, ठीक है, अप्रोच ये है ना, एक पर्टिकुलर अप्रोच होना चाहिए। आप हमें स्टेप बता सकते हैं कि पहले डेल्टा वन निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर वो निकालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आप लाइव चैट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइव टाइम पे नहीं देख रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, और आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं इसका, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, आपको पता होगा, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, स्टेप लिख के बता सकते हैं, या अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो आप वहाँ पे इसका स्टेप्स लिख के आप एक एसएस दे के सॉरी आप एक फोटो लेके आना, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम आपको कुछ देर में बता रहे हैं, ठीक है, हम आपको कुछ देर का टाइम दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सोचिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स इसका सही या गलत, ये हम आपको पहले चीज बताया ना कि हमारे लेक्चर्स में, ठीक है, हमारे लेक्चर में अभी सर के लेक्चर में, ठीक है, सही और गलत का कोई यही नहीं है। हाँ, आप ट्राई कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, आप ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे ना, ट्राई करेंगे तभी सीख पाएंगे, ठीक है, इसीलिए आप ट्राई कीजिए, गलत या सही ये मैटर नहीं करता है, हम लोग है ना आपको बताने के लिए, ठीक है, हम लोग 24/7 आप लोग के लिए है, ठीक है, दिन रात एक किए हुए लोग कि आप लोग अच्छे से पढ़े, आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है, तो हम लोग हैं आपके कोशिश पे, अगर आपको कुछ गलती हो रहा है तो उसको सही करने के लिए हम लोग हैं, ठीक है, आप लोग बस एक चीज कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए हम पे, ठीक है, हम पे नहीं, हम लोगों पे, पूरे चैनल्स पे, ठीक है, आप चैनल्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, यही तो आप लोगों का सपोर्ट है ना,
हम लोग तो फिजिकली मिल नहीं रहे ना एक दूसरे से ऑफलाइन में, तो हम लोगों का यही सपोर्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ हम लोग बार बार लेक्चर में नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का अच्छा खुद नहीं लगता, ठीक है। हम लोग का कंटेंट में दम होगा, हम लोग कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है, हम लोग अच्छे पढ़ाते होंगे तो खुद ब खुद ये बढ़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये जरूर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हम लोग का चैनल से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दें, ठीक है, आप इस चैनल को थोड़ा सा फैलाएं, ठीक है, अपने स्तर पे। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि जाके पटना चिल्ला रहे हैं कि ये चैनल पे ये करो वो करो, नहीं वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, अपने स्तर पे, ठीक है, जो आपका लेवल है उस स्तर पर आप इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ावा दें, ठीक है। आप लोग से यही उम्मीद रहेगा। मैं और इस पर कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बोरिंग होता जा रहा होगा, आपको लग रहा होगा हाँ ये चीज़ बोरिंग हो रही है, ठीक है। मुझे भी लगता है कि ये सारी चीज़ें चर्चा करने के योग्य है नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ना, ऑफलाइन पे होते तो ये सब बातें आती ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ाई डायरेक्ट पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इधर उधर की बात तो बहुत ही हो गई, फिर चलिए इसको हम बताते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना, थोड़ा तो सीरियस कर लेने दीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इधर उधर करने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन देखने के लिए फिर हमको मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है, स्क्रॉल करना पड़ता है इधर से उधर, जो कि आपको भी दिक्कत होता है। तो जो इस ये जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका है, वो तरीका प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही हम आपको पहले तरीका बता रहे हैं, आप इसका जो स्टेप्स होगा, ठीक है, आई होप अभी तक ने अपने स्टेप लाइव चैट में बता दिया होगा, जिसको ये समझ आया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, या आप इसका फोटो दे चुके होंगे किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, डेल्टा वन का वैल्यू निकालिए, डेल्टा टू का वैल्यू निकालिए, ठीक है। इसका वैल्यू निकल जाने के बाद आप क्या कीजिए, इस रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई आप ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा वन बाई डेल्टा टू इक्व टू 1/4 दिया, इसका रेशियो 1/4 दिया हुआ है, ठीक। तो आप थोड़ा ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कीजिए कि इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 4 times ऑफ डेल्टा वन इज इक्व टू डेल्टा टू, आप इस कंसेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे किया हुआ कंसेप्ट तो प्रीवियस ही रहा ना, यहाँ ये वाला क्वेश्चन का तो कंसेप्ट नहीं रहा ना, आपका डेल्टा वन इक्व टू डेल्टा टू ये वाला जो है इसी का तो कंसेप्ट रहा, बस 4 से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा वन में, और कुछ कहाँ हुआ है इसमें, कुछ हुआ है आप देख सकते देख रहे हैं, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये करना है आपको सिंपली, इस क्वेश्चन को मैं पूरा से सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप सॉल्व करके फिर इसका सोल्यूशन हमें टेलीग्राम ग्रुप में दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा, जैसे कि पिछले क्लास में तनिषा सिंह ने, तनिषा कुमारी कह सकते हैं उसे, तनिषा सिंह के नाम से उसका अकाउंट है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, उसने हमको 2 questions का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, अभी भी वो सॉल्यूशन है आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी अगर सॉल्यूशन कोई स्टूडेंट देता है तो उसका नेम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर अनाउंस किया जाएगा, 2 बार 3 बार अनाउंस किया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं तनिषा का नाम हमने कई बार लिया, ठीक है। तो इसको वही करना है, आप क्या करिए, इसका डेल्टा वन, ठीक है, यहाँ से आप इसका डेल्टा वन निकालिए, इसका एरिया कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा और यहाँ से कुछ के फॉर्म में आएगा, और उसके बाद क्या कीजिए कि 4 times ऑफ डेल्टा वन, मतलब ये तो कोई वैल्यू आएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, मानते डेल्टा वन आता है 4, तो 4:4 इज इक्वल टू इधर आता है मानते 7k-39 आया था मान लेते, तो क्या आ जाएगा 4:4 तो 16 इज इक्वल टू 7k-39, यहाँ से आपका केक वैल्यू क्या निकलेगा, ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से आप क्या कहें 16 + 39 इज इक्व टू 7k, आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा 7k इज इक्व टू 55, ठीक है, यहाँ पे केक वैल्यू क्या आ जाएगा 55.7, ये हो जाएगा, आप इसे डेसिमल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 7.749 होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा, 6 बचा 9, तो क्या होता है 60 हो जाएगा, तो 7 × 8 = 56, ठीक है, ऐसे ही आप 7 × 5 = 35, फिर 7 × 5 = 35, ऐसे ही आप इसमें आप डेसिमल में निकाल सकते हैं या आप यहाँ पे भी फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, 7.85, यहाँ पे 5 नहीं होगा, इसके बाद ये 7 होगा, ठीक है, लेकिन 2 decimal काफी है, ठीक है, इसके बाद लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ती है, अगर कोशिश करें कि आप इसमें दे दे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है तो दोनों में से देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ, उस फॉर्म में आप उसका आंसर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है।
तो आई होप इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको एक हम फॉर्मेट बताए इसको कैसे सॉल्व करना, ठीक है। एक्चुअली आपको सॉल्व करके हमें आंसर बताना है, ठीक है। ये के का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई जितना भी रियल नंबर पॉसिबल उसमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब से सॉल्व करके इसका आंसर आप मुझे लाइव चैट में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। लाइव चैट में आपको पॉसिबल होता है, इतना जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर लाइव चैट में पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप कमेंट्स में दीजिए इसका आंसर। उसके बाद अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड है, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। हम लोग सोल्यूशन दीजिए, स्टूडेंट सब देखे और उनको भी मोटिवेशन मिले। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सच में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी से उनका एकदम अच्छा टारगेट है यहाँ के एटलीस्ट 400 प्लस लाना है हमको 500 में एटलीस्ट, ठीक है। 400 मतलब कम से कम 400 प्लस लाना है आउट ऑफ 500, ठीक है। तो ये टारगेट है तो आपको अभी से लगना होगा, ठीक है। हम लोगों के इंस्टीट्यूट से 450 प्लस तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको भी क्रॉस करें, ठीक है। लेकिन ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए क्या कम से कम इतना तक आपका जाए, ठीक है, आउट ऑफ 500, ठीक है, 400 तक जाए, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हम लोगों को शुरू से लेकर अंतिम तक साथ रहेगा तो उसका गारंटी देते हैं कि इतना प्लस उसका जरूर ले, मतलब कि अगर अच्छा स्टूडेंट्स रहा तो 400 प्लस तो पक्का ही जाएगा, ठीक है। 450 प्लस भी जा सकता है वो, अगर वो एकदम अच्छे दिलो दिमाग से मेहनत करे, एकदम दिन रात एक करके पढ़ाई करे, ठीक है, अच्छे से करे, ठीक है, तो उसका आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब स्टूडेंट्स ही लाते हैं ना, 483 487 ये सब स्टूडेंट्स ही लाते हैं ना आउट ऑफ 500, इतना मार्क्स आता है, वो भी तो पढ़ाई करते हैं ना थोड़ा सा, उसका लेवल स्मार्टनेस पढ़ाई तरीका का लेवल, ठीक है, पढ़ाई का लेवल स्मार्ट पढ़ाई का लेवल, मतलब आप उसको बोल सकते हैं ऐसे के उन लोगों का पढ़ने का तरीका वो स्मार्ट होता है, ठीक है, और वो स्मार्टली पढ़ते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एडवांस पढ़ने ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं इसीलिए उनका उतना मार्क्स आता है, ऐसा नहीं है। वो उसके पीछे बहुत लेबर होता है, मतलब बहुत वो लेबर मतलब ये है काम करने वाला लेबर नहीं समझिए, ठीक है। लेबर का मतलब होता है बहुत वो मेहनत करते हैं, ठीक है, वो बहुत लेबोरियस भी होते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये चीज़ करना है, ठीक है, तो वेस्ट विशेष आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी से हम लोगों का ये वेस्ट विशेष है कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके, ठीक है। तो अच्छा से अच्छा मार्क्स कब ला पाएंगे, जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 20 होगा शायद, लेक्चर नंबर 20 होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये थोड़ा सा वेरी भी हो सकता है। तो जो पार्ट 20 होगा उसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसमें माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। आप इसका हिंदी बता सकते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, आप इसका हिंदी बताइए, सौखंड और उपसारणी कैसे, सौखंड और उपसारणी, ठीक है, उपसारणी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 में, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये जो सौखंड और उपसारणी होता है ये इनवर्स निकालने में काफी मदद करता है, ठीक है, इनवर्स आपको बहुत जरूरी है डिटरमिनेंट का, ठीक है, ये निकालने में काफी हेल्प करता है। और इससे एक और तरीका पता चलता है, एक और वेज पता चलता है, सॉरी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का इससे एक और तरीका पता चलता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।